यूपी की सड़कों पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ निकले तो सबने यही सवाल पूछा कि क्या ये जोड़ी नरेंद्र मोदी की उम्मीदों को धराशायी कर देगी। 2019 आते आते फिर वही सवाल है, बस दोस्त बदल गए हैं। राहुल गांधी बाहर हो गए, मायावती अखिलेश के साथ खड़ी हो गई। हम पे काम भी है, उपलब्धियां भी हैं और किस तरीके से आगे चीजें ले जा सकते हैं वो भी समाजवादियों पर है, लेकिन हम पे ग्लू नहीं है चिपकाने का कुछ। आखिरकार वो ग्लू ढूंढ लिया हम लोगों ने जिसका संकोच करते थे। इसने गिनती ठीक की है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गिनती ठीक करना सिखाया उसी रास्ते पर चल करके हम समाजवादियों ने अपनी गिनती। तो यूपी से इस साल की सबसे बड़ी खबर आई है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की दोस्ती तय हो चुकी है। मीडिया को न्योता भी आ गया है। लखनऊ के उसी होटल ताज में कल मायावती और अखिलेश ऐलान एक गठबंधन करेंगे, जहां 5 साल पहले राहुल गांधी और अखिलेश ने नए दौर का दावा किया था। फर्क साफ है, मायावती का साथ है, राहुल गांधी से दूरी है। हमारी कोई मुश्किल नहीं बढ़ा रहे हैं, हम तो चाहते थे कि बुआ भतीजे एक हो रहे हैं उसमें और जो बच्चे हैं उनको भी एक कर लें। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ, क्योंकि उनका एजेंडा मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। अखिलेश और मायावती की केमिस्ट्री फूलपुर गोरखपुर के उपचुनाव में परवान चढ़ी। मोदी के बढ़ते कदम का खौफ दोनों को दोस्ती करने पर मजबूर कर गया। कैराना में जीत के साथ ही आरएलडी की भी दोस्ती में एंट्री हुई, लेकिन अब उसी आरएलडी को लेकर पींच फंस गया है। कल गठबंधन का ऐलान होना है और आज तक छोटे चौधरी को इसकी खबर तक नहीं है। नहीं, हमारी अभी जयंत की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कल से यही हूँ। दो सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है, अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितने परिपक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथ ही उनसे करेंगे। अजीत सिंह नेताओं वाली बात कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया को खबर है कि बंटवारे पर बात नहीं बन रही। छोटे चौधरी 6 सीट मांग रहे हैं, जबकि अखिलेश और मायावती आरएलडी को 2 सीटों से ज्यादा देने को राजी नहीं। दरअसल दोनों तरफ मजबूरियां हैं। पश्चिमी यूपी में आरएलडी के पास खेल बनाने बिगाड़ने की ताकत है, लेकिन अपने बूते जीतने की कुव्वत नहीं, इसीलिए आंख मिचौली हो रही है। कल हो सकता है होटल ताज में चौधरी कुनबा भी आपको साथ खड़ा नजर आए।